रामीम प्रीवियस टॉपिक के रिलेटेड एंड रिपेयर के रिलेटेड थ्री वीडियोज़ आ चुकी हैं फर्स्ट अबाउट द डीएनए डैमेज सेकंड अबाउट द फैक्टर्स व्हिच कॉज द डीएनए डैमेज एंड थर्ड अबाउट द फर्स्ट रिपेयर सिस्टम डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम नाउ वी आर गोइंग टू दैकेंड रिपेयर सिस्टम रिपेयर ठीक है एक्सीयन रिपेयर सिस्टम को हम देखते हैं कि एक्सीयन रिपेयर क्या है एक्सीयन रिपेयर की दो टाइप्स आ जाती हैं एक अक्सीन रिपेयर होता है जिसमें आप न्यूक्लियोटाइड जो होता है उस पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड को एक्साइज कर देते हैं एक्साइज में निकाल देना ठीक है या क्या करते हैं बेस को निकाल देते हैं तो इसकी दो टाइप्स है बेस एक्सीयन रिपेयर या न्यूक्लियोटाइड न्यूक्टाइड रिपेयर जिसमें बेस को रिमूव किया जाएगा दिस इज कॉल्ड द बेस कॉल्डी रिपेयर जिसमें न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड रिपेयर लेकिन याद रखें बेस एक्सीयर रिपेयर में कोई फॉसफोडाइसटर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है न्यूक्लोटाइड में फॉसफोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं इंपॉर्टेंट टाइम से यूज़ है और बेस एक्सीयर रिपेयर और न्यूक्लियोडाइड ऑक्सीजन रिपेयर में मेजर डिफरेंस भी यही है कि उसमें फॉस्फोडाइसटर बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं न्यूक्लियोडाइड ऑक्सीजन रिपेयर के दरमियान जबकि बेस एक्सीयन रिपेयर में फॉसफोडाइस्टर बॉन्ड नहीं टूटते हाँ बेस रिमूव हो जाती है बेस के रिमूव होने से जो साइट क्रिएट होती है उस साइट को हम बोलते हैं एपी पी साइट ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एपी पी साइड अच्छा बेस एक्सीयन पेड़ में सबसे पहले क्या होगा बेस को रिमूव किया जाएगा अब बेस जो होती है वो किसके साथ अटैच होती है बेस अटैच होती है न्यूक् न्यूक्लोटाइड का अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो बेस हमें नज़र आती है किसके साथ हमें बेस नज़र आती है विथ राइबो शुगर ठीक है न्यूक्लोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं ना राइबो शुगर नाइट्रोजीनियस बेस एंड द फॉस्फेट ग्रुप ठीक है तो हमें उसमें देखते हैं कि ये वाला हमने बेस को निकालना अब बेस ने शुगर के साथ बॉन्ड बनाया होता है बेस ने शुगर के साथ जो बॉन्ड बनाया था उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड हमने अब बेस को रिमूव करना है तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो वहाँ पर जो इंजाइम आएगा उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे ग्लाइकोलेसिस क्यों बोलते हैं उस ग्लाइकोलेसिस क्योंकि वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को ब्रेकेज करवाता है ठीक है तो अभी तक अलेवन टाइप के ग्लाइकोलिस जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं अच्छा अब हमारे पास देखें कि हम डायरेक्ट एग्ज़ैम्पल पे आते हैं देन वी विल स्टडी अबाउट द डिटेल्स कि किस तरह ये कर रहा होता है लेकिन आपने बस इतना याद रखना है कि बेस बेशक्सीय रिपेयर में क्या होगा बेस बेशक्सीय रिपेयर के अंदर ग्लाइकोसिडिक जो होगा उसकी ब्रेकेज होगी ठीक है और हाइड्रोलाइज रिएक्शन होगा अब उसकी यहाँ से हम एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं ठीक है, है? देखें हमें पता है कि इस्पेसिफिक uh, जो लेमन टाइप के हो हमने कहा है कि वो ग्लाइकोलिस आ चुके हैं एंड दे आर द सबस्ट्रेट स्पेसिफिक ठीक है ये नहीं होगा कि हर ग्लाइकोलॉजिस यूनिवर्सल ग्लाइकोलिस कोई भी नहीं होता डी स्पेसिफिक ग्लाइकोलॉजिस होते हैं ठीक है स्पेसिफिक ग्लाइकोलिस रिमूव करेगा यूरा को एंड अदर रिमूव द ऑक्सोगोवन को अब मुझे बताएं यूरा कहाँ पर बना था हमने डी एन ए डैमेज हमने डीएनए डैमेज में देखा था कि यूरा सेल उस वक्त बना था जब साइटोसिन की क्या हुई थी डी अमाइनेशन हुई थी ठीक है और ऑक्सोगवानीन का बना था हमारे पास ऑक्सोगवानीन उस वक्त बना था जब हमारे पास गवानी की अल्काइलेशन होगी तो कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्लाइकोलोज होंगे जो इनकी क्या करवाएंगे इनको रिमूव करवाएंगे और डीएनए को रिपेयर करवाएंगे ठीक है किस तरह रिपेयर करेंगे नॉर्मली वो कहता है कि स्कैन करेंगे सबसे पहले मैंने आपको फोर स्टेप बताए थे सबसे पहले स्कैनिंग होगी यानी कि डिटेक्शन होगी फिर उस पार्ट को रिमूव किया जाएगा थर्ड में उसको आ, उसकी जगह रिप्लेसमेंट की जाएगी गैप फिल किया जाएगा और आखिर में लाइगेज का काम आ जाएगा जो कि ज्वाइन करना है उसका काम ठीक है अगर नॉर्मली जो इनकोरेक्ट बेस होता है उसको आउटवर्ड कर दीजिए लेकिन ये देखें ये हमारे पास अगर डी एन ए का बेस ट्रेंड है ना तो अगर उसमें कोई भी बेस जो है वो मिसपेयर है या एरर है उसके अंदर तो वो ये अगर बेस है तो उसको इस तरह बाहर सेल से बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है अब ये काम किस तरह देखता है यहाँ पर इसको शो किया हुआ कि यहाँ पर नीन है यो, ये वाला इस नीन की क्या हुई इस नीन की अल्काइलेशन हुई और जिसकी वजह से ओक्सोगान बन गया ठीक है सॉरी ऑक्सीडेशन हुई और उस ऑक्सीडेशन से क्या बन गया ऑक्सोगोवानिन ठीक है आई थिंक मैंने पीछे भी ऑक्सो गोवानिन की अल्काइलेशन का दिस वॉज द इनकोरेक्ट ऑक्सोगोवन बनाए बाई द ऑक्सीडेशन अब अगर तो रेप्लीकेशन के बाद ये इसको आइडेंटिफाई करता है रेप्लीकेशन के दौरान कर लेगा उसको आइडेंटिफाई ग्लाइकोलिस बट इफ़ ग्लाइकोलिस फेल टू आइडेंटिफाई वेयर देर इज अक्सोगपेयरिंग एन अदर इन्जाम एक्टिविट विच इज कॉल्ड द फेल सेफ ग्लाइकोलिस अब फेल सेफ गाइकोलिसिस किस तरह एक्टिविटी करेगा उसकी एक्सप्लेशन यहाँ पर देखें कहते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्लाइकोलेसिस डिटेक्ट करेगा ऑक्सोगवन को अब ऑक्सोगवन का बना है ऑक्सीडेशन से अब गोवन के सामने क्या आता है गोवन के सामने आता है साइटोसिन लेकिन जैसे ही गोवान की ऑक्सीडेशन हुई और वो ऑक्सोगवन के अंदर चेंज हुआ तो उसने मिस पेयरिंग करने लग दी विद एडिन के साथ ठीक है तो हमने क्या करना है उस एडिनिन को क्या करेगा ग्लाइकोलेसिस रिमूव कर देगा और उसकी जगह किसको रिप्लेस कर देगा साइटोसिन को दिस इज द फंक्शन फिर इन टी रिपेयर अब टीजी का पेयर तो कोई भी नहीं होता है जी और सी का होता है लेकिन अब थायामीन गोवानिन के साथ किस तरह पेयरिंग करने लगी क्योंकि थायामिन का बना था हमें पता है जब वाटर से डी हुई थी फाइव मिथाइल साइटोसिन की ठीक है ना फाइव मिथाइल साइटोसिन की हुई थी डी जिससे बना थान अब साइटोसिन किसके साथ पेयरिंग करता है विद गोवानिन तो क्या होगा यहाँ पर हमारा ग्लाइकोलाइसिस क्या करेगा ग्लाइकोलेसिस कंसिडर टी को रोंग समझेगा क्योंकि साइटोसिन तो गोवान के साथ करता है ना साइटोसिन जो है तो हम हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है वो किसको कंसीडर कंसिडर करेगा रोंग टी को रोंग कंसिडर करेगा और किस को, तो तो को लेकर आएगा उसकी जगह दूसरे गोवानिन को लेकर आएगा रिमूव कर देगा थायमिन को और उसकी जगह जी को कर देगा रैदर दैन द ए ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेस एक्सीनियर पेयर के बेस एक्सीनियर पेयर में हमने उस बेस को रिमूव कर देना है जो कि जिसकी वजह से मिसपेयरिंग हो रही है ठीक है सेकंड हमारे पास आया है न्यूक्लोटाइड एक्सीनियर रिपेयर न्यूक्लियोटाइड एक्सीनियर पेय में हमने एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देना है एंड न्यूक्टाइड ऑक्सीनियर रिपेयर से क्या होगा फॉस्फोडाइस्टर डाइस्ट्रा बॉन्ड भी ब्रेक होगा ठीक है अब यहाँ पर दो चीज़ों को शो किया गया हुआ है कि हाउ न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीनियर रिपेयर अकर इना प्रोक्रियोटिक एंड हाउ इन अकर इना यूक्रियोटिक लाइक द ह्यूमंस तो सबसे पहले हम प्रोक्रियोट को देख लेते हैं तो आपने वो फोर स्टेप याद रखने का सबसे पहले डिटेक्शन करना है ठीक है जहाँ पर मिसपेरिंग हुई है या जहाँ पर लियन क्रिएट हुए तो यहाँ पर उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक हाइड्रोटाइमर आएगा जिसका नाम है यू वी आर ए बी ठीक है टू प्लस टू का मतलब है कि टू ही एडिनिन के टू ही ए के यूनिट्स हैं और टू ही बी के यूनिट्स हैं ठीक है ये क्या करेगा स्कैन करेगा अब ये स्कैन किस तरह करेगा इसको मज़दीद उसकी डिटेल में जाता है वो कहता है यू वी आर ए जो क्या है वो डिटेक्ट करेगा कहाँ पर डिस्टोर्शन हुई है ठीक है जहाँ पर डिस्टोशन हुई है वहाँ पर जा कर वो उसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पर इसको शो किया जैसे ही अटैच होगा ये ए वाला सब यूनिट्स अलहदा हो जाएगा डिसंगेज हो जाएगा और यहाँ पर कौन सा सिर्फ यूनिट रहेगा सिर्फ बी वाला यूनिट यहाँ पर रहेगा यहाँ पर आप देखें बी वाला क्या करवाएगा उसकी मेल्टिंग करवा देगा ठीक है डीएनए को मेल्ट करवा देगा अब यू वी आर ए यू वी आर ए ने क्या किया डिटेक्ट किया यू वी आर बी जाके मेल्ट हो गया अब यू वी आर बी जो है वो एक एन अदर इंजाइम को अपनी तरफ बुलाएगा रिक्रोर्स करेगा जिसका नाम होगा यू वी आर सी ये क्या करवाएगा निकिंग करवाएगा निकिंग, करवाएगा। निकिंग का मतलब कट करना डीएनए को कट करेगा वहां से कट करेगा जहां से डैमेज होगा लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो है ये है कि ये यू वी आर सी जो निकिंग करेगा वो टाइट को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे करेगा ठीक है अगर तो वो थ्री एंड की तरफ कर रहा है निकिंग यानी कि कटिंग करवा रहा है तो फोर टू फाइव न्यूक्लियोटाइड अवे करेगा जहां पर लियन है ठीक है जहाँ पर लियन होगा उससे कितने डिस्टेंस पर फोर तो टू फाइव न्यूक्लियोटाइड पर लियन करेगा लेकिन अगर वो फाइव प्राइम की तरफ जो कटिंग कर रहा है कट कर रहा है निकिंग करवा रहा है तो उस वक़्त वो एट न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा रिमूव करेगा तो यहाँ पर ये यह जो लाइन लिखी इसका ये मतलब है ठीक है फिर उसके बाद Uh, क्योंकि इन्होंने कटिंग करवा दी फिर आ जाएगा यू वी आर डी जो कि एक हेलीकेस इंजाइम है हेलीकेस ने क्या करना है अनवाइंड करना है ठीक है कट आउट करेगा फ्रेगमेंट को रिमूव कर देगा फिर यहाँ पर आ जाएगा डी एन एपोलियम रेज जो कि वहाँ पर या बेस की यहाँ पर वहाँ पर आकर बेस को ऐड करवा देंगे लाइगेज क्या करेगा वहाँ पर आकर फिल अप कर देगा ठीक होगा तो ये था किसके अंदर स्कर्च ईकोलाई के अंदर किस 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 तरह ये न्यूक्लोटाइट के ऑक्सीएन रिपेयर होता है ठीक है तो सेम इसी तरह ह्यूमंस में वो कहता है कि जिस तरह ई कड़ाई के अंदर तो सिर्फ फोर प्रोटीन्स होती है यू वी आर ए यू वी आर बी यू वी आर सी और यू वी आर डी ठीक है अब ह्यूमंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन काम उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो प्रोटीन्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे एक्स पी एस एक्स पी एक्स पी डी एफ़ ठीक है ये आएंगे काम उनका वही है एक्स पी सी ए यहाँ पर क्या करवाएगा डिटेक्ट करेगा यहाँ पर कौन डिटेक्ट करता था यू वी आर ए डिटेक्ट करता था ठीक है यहाँ पर मेल्टिंग करवाने के लिए क्या आते थे हमारे पास यू वी आर बी मेल्ट करवाते थे लेकिन यहाँ पर कौन मेल्टिंग करेगा एक्स पी एक्स पी डी और आर पी ए आर पी ए क्या है आर पी ए हमारे पास रेप्लीकेशन प्रोटीन यूनिट होता है ठीक है रेप्लीकेशन प्रोटीन और इसका सेम काम उस तरह होता है जिस तरह सिंगल स्टैंड प्रोटीन का होता है ठीक है वो भी क्या काम करती है वो एक तो डी एन ए स्टैंड को ओपन करके रखती है ताकि हेलीकेज की एक्टिविटी हो और रिपेयरिंग में उसका काम होता है ठीक है फिर एक्स पी एफ क्या कराएगा यहाँ पर क्लीवेज करवाएगा वहाँ पर क्लीवेज करवाने के लिए हमारे पास कौन से आते थे वहाँ पर आते थे हमारे पास यू वी आर सी आता था तो यहाँ पर हमारे पास कौन आ रहा है क्लीवेज करवाने के लिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्स पी एफ आ रहा है ठीक है और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड व जिस तरह वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कट किया जाता था यहाँ पर भी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कट किया जाएगा लेकिन याद रखना है प्रोक्रियोर्स और यूक्रियस में सबसे ज़्यादा जो न्यूक्रो टाइड लॉस होते हैं या कट कटिंग के दरम्यान या फ्रेगमेंट का जो साइज़ कट किया जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है यूक्रियोर्स में यानी कि ह्यूम्स के अंदर और प्रोक्रियोर्ड्स के अंदर क्या होता है उसका साइज़ कम होता है ठीक है प्रोक्रियोर्ड्स में जो कट होता है उसमें ट्वेल्व टू थर्टीन न्यूक्लियोटाइड को एक्सरसाइज किया जाता है लेकिन यहाँ पर जो होता है वहाँ पर थर्टी टू न्यूक्टाइड तक पहुँच जाता है किसके अंदर बोला ह्यूम्स के अंदर ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास वही जब ये इसको कट करवा लिया उसके बाद दूसरे इंजाम आएंगे वो इंज़ाम डीएनए पॉलीमरेज आएगा लाइगेज आएगा वो क्या करवाएंगे वो वहाँ पर गैप को फिल करवा देंगे या रिप्लेसमेंट करवा देंगे ठीक है यहाँ पर वो एक और बात लिखता है कि आर एन जो है वो भी एक्ट कर सकता है डिस्टोशन को स्कैन करने के लिए ठीक है डिस्टोशन स्टॉल एंड द प्रोसेस विच रिक्रोट द टी एच आई एफ टी एच आई एफ जो होता है ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं हेलीकेजेज़ होते हैं ठीक है थीके? इसके दो सब यूनिट होते हैं एक्स पी ए और एक्स पी डी ए इनका ये एक मेजर काम बता रहा है कि इसने या तो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवा देना है ये और या क्या करना है डिस्टॉर्शन को रिमूव कर देना है। तो ये सेकंड मैकेनिज्म दिया दिया होता है ह्यूमंस के अंदर तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्टाइडक्नियर रिपेयर में सबसे पहले हमने प्रोक्यूर्स में पढ़ा आपने उसमें सिर्फ कंपैरिजन करते जाएंगे तो आपको याद का होता जाएगा कि यहाँ पर अगर एक्स पी सी है तो यहाँ पर हमारे पास यू वी आर है यहाँ पर अगर हमारे पास मेल्टिंग करवाने के लिए एक्सपी पी एक्स पी डी और आर पी आ रहा है तो यहाँ पर हमारे लिए हमारे पास कौन आ रहा है मेल्टिंग करवाने के लिए यू वी आर पी यहाँ पर अगर हमारे पास निकिंग करवाने के लिए यू वी आ सी आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास एक्स पी एफ आ रहा है बाकी ये वाला इंजाम जो है ये दोनों के अंदर कॉमन है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सियन पेयर जिसमें हमने दोनों देखे बेस को रिमूव करना बेस एक्सीन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना दिस इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड एक्सीयन पेयर